नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में मल्टी टैलेंटेड वसीम बाबूजी हैं, जिनकी एक पिक्चर आनी है राजा भैया एक आवारा। बहुत ही सुल्तान के रोल में, जबरदस्त विलन के रोल में दिखेंगे। रायपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई इंडस्ट्री में आपने अपने कदम बहुत पुख्ता तरीके से जमा लिए हैं, बहुत सारे काम करते हैं आप। रायपुर से मुंबई कैसे पहुँच गए वसीम भाई? मैं ये कल्चर देखा था, जो शुरू से मैं सिक्योरिटी फील्ड में रहा, तो मैंने कल्चर मुंबई में देखा था कि एक बॉडीगार्ड जो है वो किसी बड़े आर्टिस्ट को कवर कर रहे थे। तो लोखंडवाला के अंदर में सलमान खान की मूवी का कोई सा सीन चल रहा था, शूटिंग हो रही थी, तो मैं देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया कि सलमान खान है भाई। तो मैं मिलने के लिए जा रहा था, तो कुछ पहलवानों ने, स्टंडों ने मतलब रोक लिया आके कि सिक्योरिटी। तो मैंने उस समय ये सोचा था कि ये वर्किंग बहुत अच्छी है। तो रायपुर में मैंने एक टीम बनाई, जिम जा के मैंने बंदों को बताया ऐसा ऐसा वर्क है। छोटे छोटे इवेंट से मैंने शुरुआत की, आज बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वर्क हो गया है मेरा। सिक्योरिटी के साथ साथ मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी वर्क शुरू कर दिया और काफ़ी सारे में इवेंट्स भी करते हैं। बहुत सारी सीरियल्स में भी आपने काम किए, कौन कौन से सीरियल में? मैंने बालकृष्ण में काम किया है, मैंने एक हिट का एड किया है, और एक हॉलीवुड की चाइनीज मूवी थी बडीज इन इंडिया, उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया है। तो और क्या इरादा लगता है कि वसीम भाई की किस में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे कि सिक्योरिटी में जाएंगे? ये सर, मेरा तो शुरू से स्कोप रहा है कि मैं मैनेजमेंट फील्ड में काम करूं, क्योंकि मैनेजमेंट फील्ड का जो काम है वो थोड़ा हार्ड वर्किंग होता है, और हर कोई इस काम के लिए एग्री नहीं होता है, हर कोई ये काम करना नहीं चाहता है क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और शुरू से मेरा इसमें स्कोप रहा है, तो बेसिकली मैं मैनेजमेंट का ही काम करना चाहूँगा, चाहे वो शूटिंग में हो, चाहे कोई इवेंट्स में हो, कॉर्पोरेट हो। क्या परेशानी आती है इवेंट मैनेजमेंट के काम करने में? किस तरीके की तकलीफें आप झेलते हैं और कैसे हो सकता है बेहतर उसमें? इवेंट मैनेजमेंट में सर तकलीफें ये होती है कि जैसे कहीं पे किसी फिल्म की शूटिंग लगी या किसी सीरियल का शेड लगा, तो वहाँ पे पब्लिक के क्राउड को मैनेज करना, कहीं पे हल्ला ना हो कि साउंड की प्रॉब्लम आती है, आर्टिस्ट के वॉइस में प्रॉब्लम होती है, साउंड प्रॉब्लम आती है, तो वो सब चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। क्या लगता है कि ये सेलिब्रिटी का इवेंट मैनेजमेंट का अभी जो बड़ा चला है, चलन हो गया है, क्या संभावना लगती है, भविष्य किस तरीके का दिखता है इवेंट मैनेजमेंट का? अब ये तो सर हर चीज़ में एक चलन हुआ है कि पहले तो कोई अपीयरेंस के लिए आते थे, कुछ ही कोई पर्सनल लाइफ कॉन्सर्ट हुआ, कोई शो हुआ, उसमें सेलिब्रिटी आते थे, लेकिन आजकल की डेट में एक बिजनेस रिलेटेड ये चलन हो गया है कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, पर्सनल सेक्टर, कोई किसी की शादी वादी हो तो वो फॉर अपीयरेंस, फॉर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बुलवाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो भी जो शो है, जो भी कार्यक्रम है, उसका एक गरिमा आ जाए, उसमें ग्लैमर आ जाए, बढ़िया हो जाए। क्या लगता है कि यहाँ से जो बम्बई जाते हैं लोग, को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है बम्बई जाके, क्या कहना चाहेंगे नए बच्चों को कि किस तरीके से वो काम? सर, बम्बई जाने का ये है कि स्ट्रगल वहाँ पे होता है, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हर कोई एग्री नहीं हो सकता। जो मुंबई का चलन चलता है, जो पैशन चलता है हर चीज़ों में, आपके लिंक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके लिंक्स वहाँ पर नहीं होंगे, तब तक वहाँ पे लोग आपको घुमाते रहेंगे, पैसे आपसे दूसरी तरीके से वसूलते रहेंगे। तो बेस्ट ये है कि जब तक आपके अच्छे लिंक्स ना हो, तब तक आप वहाँ पर नहीं जाएं। मतलब टैलेंट के साथ में लिंक होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है टैलेंट के लिए। ऐसा है जैसे कि अभी मैं काफ़ी सालों से मतलब पूरन भैया को फोर्स कर रहा था कि आप सावधान इंडिया की टीम को छत्तीसगढ़ लेकर आइए, ये तो अब ऐसा एक वक्त आ गया कि अचानक से उनका फ़ोन आया कि चलो वसीम, मैंने उन्हें मना लिया है, अब हम छत्तीसगढ़ शूट करेंगे। ये छत्तीसगढ़ तो, में आप कितने एपिसोड शूट करने वाले हैं, कैसा रहेगा, प्रतिभाओं को मौका मिलेगा सावधान इंडिया में? यहाँ पर सर हमारे पास में 12 एपिसोड है टोटल, जो हमारा टारगेट है कि हम उसको 32 डेज में कवर करें। एक एपिसोड हमारा 3 दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसको खींच पाए तो 4 दिन खींच सकते हैं। जैसे हमने अब जैसे यहाँ का कल्चर दिखाना चाहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ में जो कलाकृतिक चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जैसे ये तो आर्टिस्टिक जगह है, हाँ, जैसे है। हम जहाँ पर बैठे हैं, कितनी अच्छी थीम है जो हाथ से दर्शाई गई है, यहाँ के लोगों ने हाथ से दर्शाई है, जो भी है इनका। तो इससे कि ये मैसेज पहुँचेगा सर पूरे भारत में कि छत्तीसगढ़ कैसा है, हाँ, तो यहाँ टूरिज्म का और कल्चर बढ़ेगा, लोग आना चाहेंगे। जैसे हमने सिरपुर का एक रिसोर्ट शूट किया, वहाँ पे महादेव का मंदिर था, वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है, मतलब जो नदी का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो हमने ऐसे ऐसे स्पॉट्स दिखाए, जैसे पुरखौती मुक्तांगन हो गए, सब काल्पनिक कार्यकृतिक चीज़ है वहाँ पे, तो वो सब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं वसीम भाई कि आप सावधान इंडिया के 12 एपिसोड 32 दिन तक यहाँ पे कलाकारों को भी, और छत्तीसगढ़ की जो जगह है, जो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, पर्यटन स्थल है, टूरिज्म की जो जगह है, उनको भी अवसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, इसके लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।